जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में न्यूमेरिकल सवाल जो पूछे जाते हैं, उसमें एक सवाल है दोस्तों मीडियन यानी कि माध्यिका ज्ञात करना। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे जो पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से मीडियन दो बार पूछा गया है, तो उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि 2023 में दोस्तों 8 नंबर में एक सवाल आपसे पूछा था, उसमें हमें क्या करना था, मीडियन ज्ञात करना था। आइए देखते हैं मीडियन के डेटा क्या दिए गए थे और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप एग्जाम में देख सकते हैं कि फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, निम्न समांकों के से माध्यिका ज्ञात करिए यानी कि मीडियन ज्ञात करिए, और कुछ इस तरीके से आपको टेबल दे देगा। बहुत ही लेंथी सवाल नहीं है। अक्सर क्या करते हैं जो मैथ के बच्चे हैं वो तो सॉल्व कर लेते हैं, इवन मैथ के स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे भी घबरा जाते हैं। दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है कि आपको घबराने की ज़रूरत हो, बहुत ही आसान है दोस्तों। आइए ज़रा समझते हैं। और एक सवाल मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन पांच टॉपिक में से दो सवाल आपको न्यूमेरिकल देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे मीडियन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, ठीक है, आप देखेंगे 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 3, 5, 8, 5, 3, इसी को हमने क्या किया दोस्तों, सेम ऐसे चार्ट में टेबल में आपको लिख लेना है। आप भी ऐसे टेबल बना लेंगे और एक एक्स्ट्रा टेबल इसे CF के लिए बना लेंगे। CF को कहते हैं दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति हिंदी में कहते हैं। क्लास इंटरवल जो वर्ग अंतराल आपका दिया गया था, फ्रिक्वेंसी जो आपकी आवृत्ति, ये दोनों आपको कॉलम में दिया हो गया, एक आपने एक्स्ट्रा ऐसे कॉलम बना लेना है जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि हिंदी में संचयी आवृत्ति कहते हैं। अब हमें मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब आप कहोगे सर इसमें ये जो फॉर्मूला है उसका ये डेटा कहाँ से निकलेगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, यहीं से आपको निकल जाएगा। स्टेप वाइज इसे समझते हैं। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, जैसे क्वेश्चन देगा आपको इस टेबल में एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको टेबल बना लेना है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे टेबल बना लिया, करेक्ट। चलिए अब आगे देखिए क्या करना है। हाँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अब आगे क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 दिया है, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब 1 by 1 इसको जोड़ते जाएंगे। 5 को अगर आप 3 में ऐड करेंगे कितना होगा, 8। फिर आप इसको ऐड कर दीजिए, 8 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16। फिर आप इसको ऐड कर दीजिए कितना होगा, 21। फिर आप इसको ऐड कर दीजिए कितना होगा, 24। समझ में आ गया दोस्तों? नहीं समझ में आया मैं फिर से बता देता हूँ। वास्तव में यही दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, संचयी आवृत्ति होती है। हमारी जो आवृत्ति है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसी को 1 by 1 हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो तो दोस्तों हमारे सामने 3 दिया गया है, हमने इसको 3 लिख लेना है, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, 5 को इसमें हम ऐड कर देंगे, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 16 होगा। फिर हम नेक्स्ट ऐड करेंगे, 16 और 5 21 होगा। फिर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा। समझ में आ गया? बस आपको यही यहाँ पे करना था, हमारा यहाँ पे डेटा निकल के आ गया। तो सबसे पहला काम आपको एक्स्ट्रा टेबल बनाना था और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, जो आपने निकाल लिया। अब आप इन सबको जब ऐड करेंगे दोस्तों, इन सबको जो ऐड करेंगे वो हमारा एन कहलाता है, तो हमारा एन भी यहाँ पे निकल के आ गया। अब आप देखिए, अब आते हैं कि हमें कौन कौन सा डेटा इस फॉर्मूले में कैसे निकालना है। तो देखिए एन 24 आया है, n/2 निकाल लीजिए, n/2 अगर आप निकालेंगे तो 24/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर आपने कर लिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आपको सर ये तो बड़ा आसान ही है, कुछ नहीं करना था, आपको बस n/2 कर लेना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आइए, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए n/2 कितना आया, n/2 हमारा 12 आया, 12 आया। अब हमें देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 12 से जस्ट बड़ा कौन सा है। 12 से जस्ट बड़ा अगर आप देखेंगे तो 16 है। 12 से जस्ट बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो 16 है, 16 है, करेक्ट। जी हाँ, वेरी गुड, 16 है। अब यहाँ वाला जो हमारा डेटा होगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यानी कि 12 से जो जस्ट बड़ा था वो वाला जो हमारा रो होगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें L निकालना है, तो L क्या होगा, L दोस्तों इसी रो का जो लोअर पॉइंट है, L वो हमारा L हो जाएगा, ठीक है। दूसरा n/2 आपने ऑलरेडी यहाँ पे 12 निकाल दिया है, n/2 आपने कितना निकाल दिया, 12। n कहाँ से आया, इस सबको जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ देंगे तो n आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आइए, आपका L निकल गया, n/2 निकल गया। F क्या है दोस्तों, इसी का जो फ्रिक्वेंसी F के कॉलम का है 8, यही हमारा F हो गया। F क्या हो गया भाई, 8 हो गया। अब आइए H क्या है, इसी में जो
क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल में जो गैप है 20 और 30 में कितना गैप है दोस्तों, 10 का गैप है, तो h इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 हो गया। अब एक सवाल, l निकल गया, f निकल गया, n बाई टू एच, सी एफ क्या है दोस्तों? आपने जो 16 यहाँ पे निकाला था उसके जस्ट ऊपर वाला कॉलम दोस्तों, आपने जो 16 निकाला था उसके जस्ट ऊपर वाला कॉलम आपका क्या होगा, 16 जो आपने निकाला था उसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है ये वो सी एफ हो जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ से आपका सी एफ कितना निकल के आ गया, सी एफ 8 निकल गया। बस एक बार आप डेटा ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे सारा आपका प्रॉब्लम। अगर समझ में नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलिए अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार यहाँ पे फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए इतना कोई भी मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर समझ नहीं है, समझ आ गया होगा। मैं इसलिए कह देता हूँ ना क्योंकि न्यूमेरिकल से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। घर एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो 10th क्लास में स्टैटिक्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबसे पहला काम जो करना है वो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? पहले जो हमारे सामने 3 था हमने उसको लिख दिया, फिर उसके बाद हम क्रॉस जोड़ते जाएंगे, इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद हमारा एन तो हमें पता ही है, एन हमें कैसे निकला, जो सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी है, जब सभी आवृत्तियों का आप जोड़ेंगे दोस्तों, इन सभी को आप जोड़ेंगे, 3 और 5 8 8 16 16 और 5 21 और 21 और 3 24, तो 24 आपका n कितना हो गया, n इज इक्वल टू 24 आ गया। अब n बाई टू आपको निकाल देना, n बाई टू करेंगे 24 बाई टू कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 जो आया है ना इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 12 से जस्ट बड़ा 16 है दोस्तों, 12 से जस्ट बड़ा 16, तो ये जो पूरा रो हो जाएगा ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस इतना ही करना है, अब सारे डेटा यहीं से निकल जाएंगे। सारे डेटा कहाँ से निकलेंगे, यहीं से निकल जाएंगे। तो आइए ज़रा निकाल लेते हैं, L क्या होगा भाई, L हमारा लोअर टर्म हो जाएगा, यानी कि L इज इक्वल्स टू 20, कोई दिक्कत। n बाई टू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, n बाई टू इज इक्वल्स टू 24 बाई टू मतलब 12। मैं इसलिए रिपीट कर देता हूँ कि यहीं पे मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। f क्या है भाई, इसी का फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल्स टू 8। h क्या है भाई, इसी क्लास इंटरवल में कितना गैप है उसका, h 10। अब रही बात cf, तो जो आपका आया है इसके ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला cf हो जाता है, cf इज इक्वल्स टू 8। बस इसी को यहाँ पे फॉर्मूले में रख दीजिए, l इज इक्वल्स टू 20 आया है और ये 12, बस इसी को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसी को यहाँ पे हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। मीडियन कितना है भाई, l हमारा कितना आया, 20 आया है, प्लस n बाई टू कितना आया था, 12, सी एफ कितना आया था, 8, डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हमारी 8 ही आई थी, फ्रीक्वेंसी भी 8 आई थी, इंटू एच कितना था, 10 था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10, 4 टू जा 8 और 2 5 जा 10, यानी कि 20 प्लस 5 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25। आंसर कितना आ जाएगा, 25। कितना आसान था, बस यही कैलकुलेशन था और आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। समझ आ गया एक बार फिर से, नहीं आप तो कर ही लेंगे, बहुत अच्छा। अब आइए सेम चीज़ मैं फिर से कर दूँ, L हमें पता था कितना आया, L देख लीजिए, L कितना था भाई, लाइए देख लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी डाउट है तो देखिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, L क्या है, लोअर टर्म, 20 हमारे पास है, ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। L कितना था भाई, L हमारे पास 20 था, प्लस n बाई टू, n 24 था और n बाई टू करेंगे तो 12, 12 माइनस सी एफ कितना था, 8, f कितना था, 8, इंटू कितना, एच क्या है भाई, एच क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल एच है, तो हमारे पास एच कितना है, क्लास इंटरवल एच 10 है। बस आप कुछ नहीं करिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए, 20 प्लस, अब 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, 8 इंटू 10, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टू जा 8, यानी कि 20 प्लस 1 बाई टू इंटू 10, ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 5 25। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 25। तो इस तरीके से हमें मीडियन निकाल लेना 25। ये सवाल दोस्तों 2020 में पूछा गया था, ठीक है, देख लीजिए, सेम सवाल नहीं है, फॉर्मेट सेम है। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, निम्नलिखित आवृत्तियों में से मध्यांक ज्ञात करिए, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, इसको कहीं कहीं मीडियन है ना, मीडियन माध्यिका, तो मीडियन आपको निकालना है, तो आप यहाँ से मीडियन दोस्तों निकाल, सेम फॉर्मूले पे निकालिए, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर कोई समस्या कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके वीडियोस में बना के अगले में पोस्ट करूँगा, मगर ये आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा, मुझे खुशी होगी अगर आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे।
बहुत खुशी हुई। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, बाकी अगले वीडियो में इस वाले होमवर्क को सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा दोस्तों? ये वाला आपका लिए होमवर्क रहेगा। आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए, और मैं आशा करता हूँ कि अगर ये समझ में आ गया तो बड़ा ही ईजी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि एक सवाल यहाँ से आपने समझ आ गया होगा। देखिए पांच सवाल है, एक मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट कोरिलेशन। हिंदी में बात करें तो माध्यिका, माध्य, बहुलक और सहसंबंध गुणांक और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहते हैं, मानक विचलन। हाँ, तो ये पांच टॉपिक से आपके सवाल आते हैं, जिसमें पहला मीडियन था। मीडियन आपका कंप्लीट हो गया। होमवर्क करके कमेंट में आंसर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आपके होमवर्क को हम सॉल्व करेंगे। और पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे यहाँ इंस्टा अकाउंट पे मुझे फॉलो करेंगे। ये हमारा इंस्टा अकाउंट है, ज्ञानटॉक01, ये हमारा इंस्टा आईडी है। आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कमेंट में राय प्रतिक्रिया देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।